म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। आप सबने पंचतंत्र की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। आज मैं वहीं से एक कहानी को नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का नाम है शहर में सांड। पवन और रजत आज पूरे 3 साल के बाद मिलने जा रहे थे। दोनों ने फोन पर बात की और शाम को अपने स्कूल के पीछे वाले पार्क में मिलना तय किया। पवन लखनऊ में बैंक में काम करता है और कुछ दिनों के लिए वह अपने घर दिल्ली आया है, और रजत दिल्ली के नगर निगम के स्कूल में अध्यापक है। शाम को दोनों बड़े उत्साह से मिले और एक दूसरे को गले से लगाया। पार्क में बैठकर दूसरे बच्चों को खेलता देखकर अपने बचपन की यादें ताजा करने लगे कि कैसे वे दोनों सुबह तैयार होकर स्कूल जाते थे। स्कूल में एक ही सीट पर बैठना, पढ़ना और दोपहर को घर लौटते समय आइसक्रीम या कुल्फी खाना, फिर घर जाकर आराम करना और शाम होते ही पार्क में इकट्ठा होकर दोस्तों के साथ खेलना। क्या दिन थे वो भी। बातों बातों में दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम बाजार जाकर आइसक्रीम खाएं, और फिर दोनों चल दिए बाजार की ओर। वहां पहुंचकर उन्होंने आइसक्रीम और साथ साथ चाट पकौड़ी भी खाई। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि पीछे से जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक काले मांसल शरीर वाला, गुस्से से लाल आंखों वाला सांड दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके सींग तेज धूप में चमक रहे थे और पैरों के नीचे से धूल उड़ रही थी। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए आगे की ओर भागने लगे। थोड़ा आगे भागते ही अचानक रजत का पैर एक गड्ढे में फंस गया और उसने पवन को मदद के लिए पुकारा, मगर पवन तो हवा की गति से भागता ही जा रहा था और फिर एक दुकान में जाकर छिप गया। थोड़ी देर की कोशिश के बाद जैसे तैसे रजत ने अपना पैर निकाला और एक गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। सांड कुछ देर तक बाजार में तबाही मचाता रहा, फिर अचानक किसी ने उस पर पानी की बाल्टी फेंक दी। पानी की ठंडक से वह थोड़ा शांत हुआ और धीरे धीरे दूर चला गया। बाजार में थोड़ी देर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। पवन दुकान पर बैठकर सोच रहा था कि कैसे कक्षा 5 में होमवर्क ना करने के बाद रजत ने उसका काम कर उसकी मदद की और टीचर जी की डांट से बचाया था, और आज जब रजत को मदद की जरूरत पड़ी, वह अपने को बचाने के चक्कर में रजत की मदद नहीं कर पाया और अब वह इस कारण शर्मिंदा था। नजरें नीची किए रजत के पास गया। रजत ने उसको देखा और वह भाप गया कि पवन को उसकी गलती का एहसास है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि चलो दोस्त, भोलू राम की गर्मा गर्म जलेबियाँ खाते हैं। और दोनों फिर से चल दिए मुस्कुराते, बातें करते हुए, अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए जलेबी की दुकान की ओर। सांड का आतंक थमने के बाद पवन और रजत को राहत की सांस मिली थी। दोनों सुरक्षित थे, लेकिन घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने देखा कि जीवन कितना अनमोल है और वे कितने भाग्यशाली हैं कि वो एक साथ थे। पवन और रजत ने उस दिन की घटना को कई बार याद किया। हंसी, डर और राहत सब एक साथ महसूस हुआ। धीरे धीरे वो दिन सिर्फ एक याद बनकर रह गया, लेकिन उनके बीच की दोस्ती और मजबूत हो गई। कहानी सुनते सुनते आपको अपने किस दोस्त का ख्याल आया?
अगली बार नई कहानी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी, एन इनिशिएटिव बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली।